न्यूज अपडेट्स के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स पत्थरगट्टी चार मीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स पत्थरगट्टी चार मीनार रोड हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं जय, न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। चलिए बढ़ते हैं आज के न्यूज अपडेट्स पर। मुंबई में सेशन कोर्ट के पास एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में आग लग गई है। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं और आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। फिलहाल किसी तरह का नुकसान की कोई खबर नहीं है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीर को एंटी इंक्रोचमेंट मुहिम को लेकर आप एमएलए के साथ मीटिंग की। उन्होंने कहा कि हम लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि इंक्रोचमेंट और इलीगल सूरत से बनी हुई दिल्ली की मुसीबत से हम हल करेंगे। कच्ची कॉलोनी में रह रहे लोगों को मालिकाना हक दिलाएंगे, दिल्ली को झुग्गियों से भी आजादी दिलाएंगे। वहीं शाहीन बाग, मदनपुर, खादर, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, मंगोलपुरी, करोल बाग, ख्याल और लोधी कॉलोनी सहित दिल्ली के कई हिस्सों में 3 सिविक बॉडीज में कार्रवाई जारी है। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर चल रहे सियासी झगड़े के बीच साबिक वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और भाजपा के दीगर लीडर्स ने एक मीटिंग में हनुमान चालीसा का पाठ किया। फडणवीस ने मीटिंग में कहा, शिवसेना अब औरंगजेब सेना हो गई है, इसलिए हनुमान चालीसा के पाठ करने वालों पर गद्दारी का इल्जाम लगाया जा रहा है। उन्होंने कल हुई उद्धव की रैली को लाफ्टर शो बताया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में इतवार दोपहर सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्द हमला हुआ। फायरिंग के दौरान एक शहरी की मौत हो गई। सीआरपीएफ और एसओजी की टीम पर दहशतगर्दों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग के दौरान दहशतगर्द पास के जंगलों में भाग गए। उनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। रिपोर्टर्स के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस का एक फौजी और शहरी फायरिंग में जख्मी हुए हैं, वहीं जख्मी सिविलियन की मौत हो गई है। मानिक शाह ने इतवार को त्रिपुरा के नए सीएम के तौर पर हल्फ लिया। गवर्नर सत्यदेव नारायण राय ने उन्हें राजभवन में हल्फ दिलाई। इससे पहले शाह भाजपा की स्टेट यूनिट के प्रेसिडेंट थे। हफ्ते को बिप्लब देव के इस्तीफा के बाद उन्हें सीएम के सरकारी रिहायश घर पर एक मीटिंग में एमएलए दल का लीडर चुना गया था। राजस्थान के वजीर महेश जोशी के बेटे रोहित से रेप में पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस जयपुर पहुंची है। 15 ऑफिशियल्स की टीम इतवार को महेश जोशी के जयपुर में मौजूद 2 घरों पर भी गई, लेकिन वहां उनका बेटा नहीं मिला। रोहित पर 23 साल खातून ने रेप का इल्जाम लगाया है। उसने कहा कि पिछले साल 8 जनवरी से 17 अप्रैल के बीच वजीर के बेटे ने कई बार रेप किया। उसने शादी का झांसा भी दिया था। झारखंड के औरंगाबाद में इतवार सुबह बारातियों से भरी गाड़ी नहर में गिर गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग जख्मी हैं। आसपास मौजूद लोगों ने बताया कि कार जैसे ही पुल पर पहुंची, वो कंट्रोल के बाहर हो गई और पुल की दीवार को तोड़कर 25 फीट नीचे नहर में जा गिरी। हादसा नवीनगढ़ जापला मेन रोड पर हुसैनाबाद थाना इलाके के अकौनी गाँव में हुआ। मरने वाले सभी झारखंड के छतरपुर के रहने वाले थे। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने दिल्ली में CNG की कीमतों में फिर एक बार इजाफा किया है। CNG की कीमत में 2 रुपए का इजाफा हुआ है। कीमत बढ़ने के बाद दिल्ली में CNG के दाम 71.61 रुपए फी किलो हो गया है। वहीं नोएडा, गाजियाबाद में 1 किलो CNG के लिए 76.17 रुपए, जबकि गुरुग्राम में 81.94 रुपए चुकाने होंगे। ज्ञान वापी से जुड़े बड़ी खबर है। प्रेमाइसिस के अंदर सर्वे टीम को शिवलिंग मिला है। यह बात सामने आने के बाद वाराणसी कोर्ट ने डीएम को हुक्म दिया कि जिस जगह शिवलिंग मिला है उसे फौरन सील कर दें। वहां पर किसी भी शख्स को दाखिले पर पाबंदी लगाई जाए। कोर्ट ने डीएम, पुलिस कमिश्नर और CRPF कमांडेंट को यह हुक्म दिया है। कोर्ट ने इन ऑफिशियल्स को जगहों को महफूज रखने के लिए इनफरादी तौर पर जिम्मेदारी दी है। महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स का लेवल दिनों दिन वायलेंट होता जा रहा है। NCP चीफ शरद पवार के खिलाफ काबिल एतराज पोस्ट करने वाले उनकी पार्टी के वर्कर्स ने इतवार को BJP के स्टेट लेवल के स्पोक्सपर्सन की पिटाई कर दी। महाराष्ट्र में BJP के स्पोक्सपर्सन
विनायक अंबेकर का इल्जाम है कि कुछ लोग उनके ऑफिस में घुसे और धमकाने के बाद उनके साथ मारपीट की है। अंबेकर की शिकायत पर 4 एनसीपी वर्कर्स के खिलाफ केस तो दर्ज हो गया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मुल्क भर में गर्मी का सितम जारी है। राजधानी दिल्ली में इतवार को चिलचिलाती गर्मी और भयानक लू के बीच कई इलाकों का दर्जा हरारत 49.2 रिकॉर्ड दर्ज हुआ। मुल्क में किसी भी शहर के मुकाबले इस साल ये सबसे ज्यादा टेम्परेचर है। असम में बाढ़ से हालत खराब हो गया है। एक ऑफिशियल बयान के मुताबिक बाढ़ से रियासत के 7 जिलों में लगभग 47,000 लोग मुतासर हुए हैं, जबकि 15 रेवेन्यू चेंबर्स के तकरीबन 222 गांव मुतासर हुए हैं। हफ्ते को दीमा हसाओ जिले के हफलोग इलाके में लैंडस्लाइड में एक खातून सहित 3 लोगों की मौत हो गई है। न्यूज अपडेट्स में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। न्यूज अपडेट्स के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद।